कबूल करते हैं। आज 19 जनवरी 2014 है। आज गोविंद जी के फंक्शन में गए थे, वहां पर हमने देखा कि बसवराज पाटिल जी ने अपने दिल के कुछ बातों को हम लोगों से शेयर किए। उसमें दो बात थी जिसे बहुत सम्मानीय पत्रकार जी ने विरोध किया कि ये दो बातें गलत है। एक बात वो कि गोविंद जी को उपयोग वाली शब्द, हमारा ऐसा सोचना है कि बसवराज पाटिल जी के साथ उनका 40 साल का दोस्ती है, वो जानते हैं गोविंद जी भागदौड़ नहीं कर सकते, गोविंद जी नेतृत्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो एक जगह बैठ के ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। खुद तुम्हें खुद कुछ करना होगा, गोविंद जी नहीं कर सकते। गोविंद जी आपको जितना करना था आज तक करते आए, आप लोग कंधे से कंधे मिला के इतने सालों से आए, अभी तक आप लोगों ने अगर आपके अंदर क्षमता नहीं आई कि आप कुछ कर सको तो बेकार है। कि हम भारत विकास संगम जैसे संस्था के कार्यक्रम में बैठे हैं, जो भारत का विकास करने निकला है, वो इसको एक नेतृत्व नहीं चाहिए, उसे हजारों नेतृत्व चाहिए। बसवराज पाटिल हजारों नेतृत्व पैदा करते हैं, ऐसा मैं सोचना है। हमारी एक दो बार मुलाकात हुई है उनसे, लेकिन उनके जो भाव, उनके जो सोच, वो एक अलग है। आप 99% लोगों को अलग कर सकते हैं, आप बसवराज पाटिल जी को अलग कर सकते हैं, उनमें उनकी गिनती नहीं होती। इनकी सोच दूसरा है, इनके अंदर क्षमता, जानते मेरे क्षमता है, मैं राष्ट्र को बदल सकता हूं। दूसरी बात जो उन्होंने दिल्ली के लिए कहा कि गांव में अवैध संतान हो रहे हैं और शहर में तो पूरे हैं, हम क्षत्रिय हैं, अवैध संतान नहीं है, ऐसे हजारों हैं, आप भी हैं। हम लोग के अंदर जो गट छिपा हुआ है, हनुमान जैसे ताकत सबके अंदर है। उन्होंने एक बसवराज पाटिल जी ने एक बात कही कि ये राम का राज्य था, देश है, और हमारा दिल्ली इंद्रप्रस्थ के वजह से महाभारत के समय से राजधानी रहा है भारत का। इसका एक अलग वाइब्रेशन है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, लेकिन दिल्ली के अंदर कदम रखते ही आपने कभी एहसास किया है, आपके अंदर एक जोश आ जाता है। अगर आप दिल्ली के नागरिक हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, मुझे, मैं दिल्ली से आया हूं, वो आदमी कहता है यार बेटा दिल्ली से आया। तो दिल्ली में अगर परिवर्तन होगा तो पूरे भारत में, पूरा विश्व देखेगा और सब बदल जाएगा। बसवराज पाटिल जी कहना है पूरा भारत को बदलना बड़ा मुश्किल है भाई, कौन कौन गांव में जाएंगे, कहां कहां बदलेंगे, कहां इतना लोग, लेकिन दिल्ली में जितने लोग हैं अगर इकट्ठा हो जाएं, ये हो सकता है। इस सोच से बसवराज पाटिल जी ने दोनों बात कहे थे, हम उनसे सहमत हैं। बस समझ ये है कि वहां के बुद्धिजीवियों को वो समझ आई क्यों नहीं। कारण है कि उनके अंदर किसी चीज को परिवर्तन कर देना क्षमता नहीं है, सोचते हैं बस, साहस नहीं है। क्या उसको पहल कर सके। हमने अपने पुष्पांजलि के कार्य के तहत साहस के साथ पहल किया, अब प्रयोग कर रहे हैं।
गोविंद जी और बसवराज पाटिल जी के जो सिद्धांत है गोपी दत्त आकाश, उस सिद्धांतों पर चल कर इस मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमको महाभारत और रामायण के सिद्धांत पर नहीं हो सकता, आज के चाणक्य के आज के जो भारत को बदलने की क्षमता रखते हैं उनके मार्गदर्शन पर काम करने पर ही सफलता मिल सकती है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे बुद्धिजीवी क्या हम लोग का पहुंच है, हम मिल सकते हैं उनसे, वो मुझे जानते हैं बाय फेस, ये हमारी बहुत बड़ी बात है। तो हम बोलेंगे मेरे साथ फूल उठाओ बसवराज पाटिल जी, कैसे हो सकता है? बसवराज पाटिल मंदिर में चलो, कैसे हो सकता है? वो उनका मार्गदर्शन चाहिए। वो कहते मेरे उपयोग करो, मैं राज्यसभा सांसद हूं, मैं संसद भवन में तुम्हारी बात को उठाऊंगा। तो जो वो कर सकते हैं वो बता रहे हैं। अब उनको कहेंगे भाई आप जो है नेतृत्व करो, नहीं हो सकता। तो उनकी दोनों बात 100% तुम सच्चे ठीक है, और हमें उम्मीद है कि हमारे इस बात को सुनने के बाद सभी लोग इस पर एग्री करेंगे कि बसवराज पाटिल ठीक बोल रहे थे। जय हिंद।